हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से। तो 12 बज गई है और मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, और नाश्ता मतलब काफ़ी टाइम पहले कर दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल लंच का टाइम है। तो मैं ब्लॉगिंग काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ मतलब। तो लास्ट मैंने की थी, क्या कहते हैं, सगाई में। तो वहाँ से सगाई करके आए तो अब तो थकान ही नहीं मिटी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि बहुत थक गए थे। घर में जब फंक्शन होता है तो ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। सभी लोग बहुत थक गए थे। और हमारी जो घर में सगाई थी देवर की, वो काफ़ी अच्छी मतलब बहुत अच्छी रही, अच्छे से निपट गया सब चीज़। और फाइनली हमारी देवरानी भी हमारे घर पर आ गई है, मतलब हमारी फैमिली का मेम्बर बन गई है। तो उसकी ब्लॉग भी मैं अभी डालूंगी। और थोड़ा लेट आ रहे हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं था, और मैंने किया भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दूर भी था हमारे लिए, गिर गई थी, क्योंकि दूर भी था हमारे लिए। हम यहाँ से देहरादून गए और वहाँ से आना, तो सफ़र में काफ़ी थक जाते हैं इंसान। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे से निपट गया था। तो मैं बनाती हूँ दिन का लंच, और आज अंकित भी जा रहा है हरिद्वार, तो वो भी चले जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो देखते हैं कि लंच करता कि नहीं करता है। अभी मैं करूँगी उसका सामान पैक, क्योंकि क्या कहते हैं, उसका फ़ोन आया था कि उसका सामान पैक करना है, क्योंकि वो जा रहा है 2 दिन के लिए। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे को वहीं रहेगा और मंडे को वापस आएगा। तो वहाँ पे वैसे रहने की तो टेंशन नहीं है क्योंकि दीदी लोगों के रूम पे चले जाएगा। तो फिलहाल मैं 2 दिन के लिए अकेली हूँ, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेरे मकान मालिक हैं बगल पे, वो भी चले गए आज दिल्ली, उनका मकान है दिल्ली में, तो वहाँ पे चले गए हैं। तो आज के लिए और 2 दिन के लिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे। वैसे तो अकेली नहीं हूँ, मेरी कुकी है मेरे साथ में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुकी को, ये देखो यहाँ पर सोई हुई है मेरी कुकी, मस्त करके। कुकी बोला नहीं कि उठ गई। पहले मैं करती हूँ पैकिंग, क्योंकि अभी अंकित का कॉल आ गया था तो उसे कपड़े वगैरह पैक करने हैं। तो चलो अभी करते हैं पैकिंग। अभी मैंने पैकिंग कर ली है और अभी करते हैं उसका वेट। और अभी पूछती हूँ कि लंच बनाना है कि नहीं बनाना। अगर वो नहीं खाएगा तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अकेला मन भी नहीं करता। और मैंने जस्ट अभी ही लंच किया हुआ है, मैंने 11:30 बजे लंच किया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उतना ही टाइम होता है। सुबह में उसको खाना बनाना, उसके बाद में सफाई वगैरह, और अपना योगा वगैरह करती हूँ डेली, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मैंने अभी किया है, तो अभी देखते हैं मैं लंच बनाती हूँ कि नहीं बनाती। और अभी करते हैं उसका वेट, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी बज गई है 1:00 बज गई है, और क्या कहते हैं, अभी अंकित लंच करने नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट जिनको लेके जाना है उनको लेके भी जा रहा है। तो मैंने उसके लिए इसमें पैक कर दिए हैं लड्डू, जो कि मेरे होममेड लड्डू हैं। तो कभी रास्ते में अगर ख़राब हो गया, ये देखो इसमें है, तो रास्ते में अगर कभी कभी मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता, दिमाग पर कहीं और बातें कुछ और चलती रहती है। तो रास्ते ख़राब होंगे, मतलब कहीं पर अगर ख़राब हो गए रास्ते, तो बाय द वे उसके लिए सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, पानी तो रखा हुआ है। तो अभी आने वाला है वो, तो सब कुछ ऑलमोस्ट पैक कर दिया है, चार्जर वगैरह सब कुछ रख दिया है। तो अभी चलते हैं और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा होगा। तो ये देखो धूप इतनी चटक लगी हुई है ना, गंदी वाली, यहाँ देखो बहुत तेज़ धूप लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़, ये देखो इतनी तेज़ लगी। और मेरे वहाँ पे आजकल इतने प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। जो जो मैं लेके आई थी सब हो गए हैं। तो अभी करते हैं उसका वेट, तो चलते हैं, क्योंकि कल बारिश आई ना तो इसलिए बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। अंकित का कॉल आया है कि वो नीचे नहीं आएगा तो वहीं से जाएगा, तो उसका सामान लेके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा सड़क पे। तो चलते हैं, ये है पानी की बॉटल और बैग।
तो दोस्तों अंकित भी चले गया है, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। लंच तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि अकेले तो मैं कभी खाती नहीं हूँ, तो अभी हम करेंगे शाम का वेट। शाम को कुछ खा लूँगी। तो आज अंकित ने वहाँ पे पहुँचना है, तो एक दिन दो दिन मैं अकेली हूँ। तो चलो वैसे भी मुझे आदत है अकेले रहने की, कोई वो नहीं है, बड़ा लोड नहीं है। तो आज बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि अंकल लोग भी ना यहाँ पे तीन चार महीने से 5-6 महीने से यहाँ पे थे, और वो भी आज चले गए दिल्ली। और धूप इतनी गंदी हो रही, बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी चलो चलते हैं अंदर। कुकी ना अंकित के जाने पर रोने लग गई, उसको लगा कि हमें भी नहीं लेके गया। ये देखो यहाँ पे भाग भाग के आई थी ऊपर से बेचारी। तेरे को नहीं लेके गए है कुकी? तेरे को नहीं लेके गए? तेरे को नहीं लेके घूमी घूमी? हम शाम को जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं उठ गई हूँ और मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ अभी 6 बजे। तो दिन में थोड़ा सा मैंने आराम किया और लेट सोई मैं 5 बजे, तो क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी। और अंकित भी पहुँच गया है ऋषिकेश। तो आजकल कुकी का ये है, देखो मस्त सोई रहती है जब तक शाम नहीं हुई है। तो इसके लिए भी कुछ बनाते हैं क्योंकि अभी हो गई है शाम। तो अभी चलते हैं किचन में, तो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। समझ में तो कुछ आ रहा, और पेट में बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी ढूंढते हैं जो मैं बहुत इजी से बना सकती हूँ। तो चलो अभी मैं ढूंढती हूँ और देखती हूँ कि बहुत जल्दी भी बन जाए और मैं खा भी सकूँ, बहुत हैवी भी ना हो। तो मैंने ढूँढा तो मुझे मिला ये, तो ये है ओट्स। तो मुझे ओट्स मिले हैं, तो अभी ओट्स बनाते हैं। ओट्स हेल्दी भी होते हैं और जल्दी पच भी जाते। तो अब चलो इसको बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बना के, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। और मेरे पीछे ये देखो, ये भी भाग के आ गई है। ये देखो, इसको ये लगता है कि कहीं भी आवाज़ होती है रैपर की या किसी चीज़ की, तो इसके लिए कुछ निकाल रहे हैं और इसको नहीं दे रहे हैं, मतलब इसकी काम की चीज़ है और इसको दे नहीं रहे हैं। अभी मैं बना के आ गई हूँ ओट्स और बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कुकी के लिए भी खाना बना दिया। ये देखो यहाँ पे हमारी कुकी खाना खा रही है, वो भी ज़बरदस्ती खिला खिला के। सुबह से कुछ नहीं खा रहा, केवल इसने पेडिग्री और बिस्किट खा रखे। तो मैं ज़बरदस्ती इसको अभी खाना खिला रही हूँ, दूध और दही कह रही हूँ, दूध और रोटी अभी मैंने इसके लिए बनाई। और अपने लिए बनाई मैंने ये ओट्स, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। इसमें मैंने मिर्च भी है, धनिया भी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो दोस्तों चलो इसको खा के मिलती हूँ अभी आपसे। तो दोस्तों अभी मैं कुकी को घुमा के लेके आ गई हूँ और उसको लग गई है बहुत ज़्यादा प्यास पानी की, थोड़ी सी भी नहीं चल पाती है। इतनी गर्मी क्यों हो रही तुझे? इतनी गर्मी बुड्ढी हो रही है तो बुड्ढी। तो अभी हम कुकी को देंगे ठंडा पानी। रुक जाओ, उसको मत पी, रुक जाओ, ठंडा पानी देंगे, रुको। और अभी मैं कुकी का पानी करूँगी चेंज, थोड़ा ठंडा पानी देंगे फ्रिज का। तो अभी कुकी पी रही है पानी, मैंने ठंडा पानी दे दिया फ्रिज का। उसको बहुत तेज़ गर्मी होती है, उसको पता नहीं क्यों। और मौसम देखो अभी पीला वाला हो गया है, तो कभी कभी होता है ना ऐसे, शायद अभी बारिश आने वाली है तो आ भी जानी चाहिए। तो अभी अंकित भी पहुंच गया है हरिद्वार, तो रूम पे भी पहुंचने वाला है दीदी लोगों के। तो अभी हम चलते हैं छत पे, थोड़ी ठंडी हवा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी हवा भी आ रही है। तो चलो कुकी छत पे चलो। चलो छत पे। तो छत का नाम सुनते ही कुकी भागने लग गई, कुकी कार लगी है। ये देखो मिनट से पहले पहुंच गई हूँ। तो शायद अभी बारिश आ जाए, काश बारिश आ जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। और देखो अंकल जी लोग भी आज चले गए, तो यहाँ पर अजीब सा लग रहा है, बंद हो गए हैं सारे। तो पता नहीं अब कब आएंगे अंकल जी लोग। अंकल जी लोगों के रहने से ऐसा अच्छा लगता था यहाँ पर, ऐसा लगता जैसे कोई है। तो अभी हम जा रहे हैं छत में, और बारिश भी शायद आने ही वाली है। देखो इधर से मौसम ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ पे, इधर से ही बारिश आती है, तो थोड़ा सा लग तो रहा है। तो अभी चलते हैं और पहले भी देखते हैं चिड़ियों का खाना।
चुड़ियाओं ने भी खाना सेपरेट कर रखा है यहाँ पे, तो थोड़ी देर में पहले मैं इनके लिए यहाँ पे खाना रखने भी आऊँगी। तो दोस्तों अभी बज गई है ना, और मैं आज शाम को बहुत टहरी पड़ रहा था क्योंकि हवा चल रही थी, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ, मम्मी ने घर से ली हुई थी हरी सब्ज़ी, तो हरी सब्ज़ी का तो मज़ा ही कुछ और होता है, पालक और हरी सब्ज़ी है। तो अंकित को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों साथ में खाना बनाते थे और अकेले में ना मन भी नहीं करता है, पर क्या करना, भूख लगी है, खाना तो पड़ेगा ही, बनाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए अभी बना रही हूँ। तो मैं भी दिखाती हूँ, पालक और राई के पत्ते हैं, तो पालक तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है, तो वो तो हर बार मैं मस्त करके बच्चों के साथ, तो उसको तो मेरी याद भी नहीं आ रही, बट मुझे उसकी बहुत याद आ रही है क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों साथ में हमेशा साथ में खाना बनाते हैं, सब्जी जैसे सब्जी वो काटेगा तो सब्जी में बनाऊँगी, आटा गूंद देता है रोटी में बनाऊँगी, ऐसे करके। और गर्मी देखो मुझे तक गंदा हो गया, इतनी तेज़ गर्मी हो, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ।